हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज है 9 दिसंबर 2022। SSC CGL का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। एक इम्पोर्टेंट बात, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक का CGL का जितना भी शिफ्ट में पेपर हो चुका है, उनका GKGS का आपको ऑल PDF चाहिए था, अब इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट शिफ्ट में 9 दिसंबर का पूछेगा GK प्लस साइंस प्लस करेंट अफेयर के मैक्सिमम प्लस हम लोग देखने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन आर 100% रियल और ऑथेंटिक है। यदि आप पेपर दे के आ रहे हैं तो क्वेश्चन मिलाना, कमेंट बॉक्स में बताना पेपर 100% रियल है या नहीं। वीडियो का PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, या तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी करके ले सकते हैं। और अभी तक का GKGS का ऑल PDF चाहिए GKGS का, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को, ठीक है। ग्रुप वगैरह में शेयर, काफ़ी मेहनत लगता है क्वेश्चन को एकत्रित करने, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का जो कलवेलिया डांस के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मश्री अवार्ड से भी किया गया सम्मानित, कला और संस्कृति क्षेत्र में बेहतर काम करने और राजस्थान में कलवेलिया डांस को नई पहचान दिलाने के लिए गुलाबों को साल 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे गुलाबों को 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था एंटोनिज्म का, स्टूडेंट बता रहे थे केयर का एंटोनिज्म पूछा गया था, इसका क्या हो जाएगा आंसर, केयरलेस, डिसरिगार्ड। आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए डिसरिगार्ड लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है, इंटेंशन, नेगलेक्ट, नेजलिबल, ओवरसाइट, थ्रोटलेसनेस। तो जो भी ऑप्शन में था क्या था, आप बताना, क्लियर करना, इसी सबसे एक ऑप्शन आपका होना चाहिए था। एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि जो सी रूट 1498 में इंडिया को किसने डिस्कवर किया था, सी रूट 1498 में इंडिया को किसने डिस्कवर किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर 1498 पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने, वास्को डी गामा ने, कौन खोज किया था, वास्को डी गामा ने 1498 में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, दो गोलों पर क्वेश्चन था, स्टूडेंट बता रहे थे, क्वेश्चन था गे लॉस को लोहा का सिद्धांत कब दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गे लुसॉक का नियम आमतौर पर जोसेफ लुइस गे लुसॉक के गैसों के संयोजन के नियम को संदर्भित करता है, जिसे 1808 में खोजा गया था और 1809 में प्रकाशित किया गया था। 1802 भी था क्या ऑप्शन, आपको मैंने उसको बताना, ठीक है। बाकी आप लोग आंसर देख लिए हैं, 1802 भी था क्या ऑप्शन, बताना। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री छाय श्रम योजना किस राज्य सरकार द्वारा, ऐसा ही क्वेश्चन था, स्टूडेंट बता रहे थे मुख्यमंत्री छाय श्रम योजना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सही उत्तर त्रिपुरा, त्रिपुरा के 7000 से अधिक चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में सरकार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री छाय श्रमिक कल्याण प्रकलन नाम के एक विशेष योजना की घोषणा की। यह योजना चाय बागान श्रमिकों के आवास, राशन और वित्तीय सहायता का आश्वासन देती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। एक क्वेश्चन पूछ लेना, सिद्धांत से 2-3 क्वेश्चन था, पॉल डिरैक का सिद्धांत पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब साधारण पदार्थ का कण प्रतिपदार्थ के कण से टकराता है तो दोनों का नष्ट होकर ऊर्जा परिवर्तित करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल डिरैक का सिद्धांत। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर में क्या पाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन था, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था बताना, नाइट्रोजन वगैरह क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था, आप बताना क्लियर करके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और को आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के रूप में भी जाना जाता है। इसका सूत्र CaBrO2 है। यह पीले रंग का पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है। यह सूखे स्लेट चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा संश्लेषित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम प्रश्न। एक क्वेश्चन पूछा गया था कथक वाला, जो कथक डांस अकेडमी पुणे में स्टार्ट हुआ है वो किस डांसर ने स्टार्ट किया, क्या ऐसा ही क्वेश्चन था, आपको बताना। बाकी ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था क्लियर करना, चूंकि इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन क्या था, कथक डांस अकेडमी पुणे में जो स्टार्ट हुआ है किस डांसर ने स्टार्ट किया था, तो इसका ऑप्शन बताना आप लोग। बाकी देखिए, मेरे बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कमेंट में जितना भी पेपर देके आते हैं सारा क्वेश्चन बताते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी जो जिनका भी आज 9 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट पेपर था, प्लीज़ जितना भी क्वेश्चन इसके अतिरिक्त आपको याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जिनका भी आगे एग्ज़ाम होगा उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करते भी हैं, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और देखिए, अभी तक का GKGS का आ गया, यदि आपका पेपर है तो GKGS का कुछ क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी होता है,
तो सीजीएल का जीके जिसका ऑल पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के स्टार्टिंग में एक व्हाट्सएप नंबर मिला होगा, उस पर आप कमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। बाकी पेपर देखे आए तो और क्वेश्चन याद कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन एकत्रित करने में चूँकि सीजीएल का एनालिसिस बेन है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।